हेलो फ्रेंड, हमारा दूसरा लेक्चर आज जो है डीसी मशीन का सेकंड लेक्चर है। मैंने लास्ट क्लास जो बात किया था डीसी मशीन में, ये टॉपिक देखना, डीसी मशीन की जो बात हुई थी हमारे बीच, ये हम लोग फर्स्ट जो हम लोग ईएमएफ फॉर्म किए थे फर्स्ट लेक्चर में। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल साइंस स्टॉपर्स के नाम से है, STOPPRS स्टॉपर्स है ना। आप वहाँ जा कर के विजिट कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगी तो आपको अपडेट मिलता रहेगा और ये क्लास लेक्चर भी होगी और क्वेश्चन भी होगा। मैं जैसे आज क्वेश्चन भी डिस्कशन करूँगा दूसरे लेक्चर में। तो हम लोग EMF देखे थे, दूसरा यूज हम लोग किए थे कि व्हाई वी यूज हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, ये हम लोग डिस्कशन किए थे। हमारा फर्स्ट जो है लेक्चर, ये भी हमारे साइंस स्टॉपर्स पे अवेलेबल मिलेगा आपको। तो थर्ड था प्रिंसिपल ऑफ, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस की बात किए थे, और ये हम लोग का कुछ पॉइंट हो गया था। हम आपसे लास्ट में जो डिस्कशन करके जो छोड़े थे वो टॉपिक भी हम आपको बता दें, मैं आपको बता दूं। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था टोटल था के फाइव ओमेगा, ये फ्लक्स पर पोल है, फाइव पी जो है ये फ्लक्स पर पोल के हिसाब से हम लोग डिसाइड किए थे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को जो वेव फॉर्म मिला था वो मिला था गुरु, ये इस टाइप का वेव फॉर्म था, ये अकॉर्डिंग अक्रॉस पोल नहीं, ये कितना था 2BVL एंड -2BVL, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो कि एसी के फॉर्म में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास और आज जो लेक्चर है ये है कि हाउ टू कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड टॉर्क के बारे में, ये लेक्चर आज का है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो फिर से मैं आपको फिगर बना देता हूँ। जब हम लोग फिगर की बात कर रहे थे तो ये डायग्राम था, एक हम लोग क्वाइल लिए थे जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, एक लिए थे, और यहाँ हम लोग मैग्नेट यूज किए हुए थे नॉर्थ और ये साउथ। देखना, मैं आपको बेसिकली सब कुछ बताऊंगा, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। तो ये जो है ना, और यही नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, बाहर आ रहा था और साउथ की तरफ से इंटर कर रहा था, और इधर से फिर ये बन जाएगा, यही हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा। तो हमारा जो यहाँ एक इंडक्शन हुआ था ये था BLV, और यहाँ भी दूसरा इंडक्शन था BLV, और टोटल हमारा था 2BLV। BLV जो है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। तो हम लोग जो डेवलप करके लाए थे, वो हमारा जो डेवलपमेंट था वो हम लोग का इस तरह का था कि सर ये थोड़ा सा साइनोसोडियल फॉर्म में था, थोड़ा सा क्या, ये पूरा का पूरा साइनोसोडियल ही फॉर्म में था, 2BLV, एंड ये भी हमारा है -2BLV, मतलब इस तरह का ये हम लोग का मिला था। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर अब इसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यूजिंग हम लोग लास्ट में लिखे थे यूजिंग कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है, मैं आपको ये सर्किट, आप इस पे गौर फरमाना इस चीज़ पे कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ जो है देखना बाबू, यहाँ हम लोग पहले दो छल्ला बनाते हैं इस तरह से, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर, ये ठीक। इसमें ब्रश कनेक्ट होता है, मैं ये फिगर यहाँ बना देता हूँ, ये हमारा ब्रश कनेक्ट होता है, और ये ब्रश जो होता है ये फिक्स होता है, ये याद रखना, ब्रश जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, आप देखिए सीधी सी बात है, इसको मान लीजिए कम्यूटेटर वन, इसको एकदम ध्यान से देखना, और इसको कम्यूटेटर टू, ये कैपेसिटर यूज करते हैं, और इसको ब्रश टू मान लीजिए और ब्रश वन। अब देखिए ये प्रवृत्ति है
कि जब हम लोग रोटेट कराएंगे तो ये हम लोग मान लीजिए पी क्यू आर एस, एकदम ध्यान से देखना। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ब्रश वन, अच्छा ये भी मान लीजिए कि यहाँ से करंट यदि जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से निकल रहा होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ से जो कनेक्टेड होगा ये हमारा जो बैटरी सोर्स है ये हमारा पॉजिटिव होगा, एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा और ये हमारा दूसरा कनेक्शन है। तो ये मान लो कि ये करंट ऊपर जा रहा है और ये करंट हम लोग का नीचे आ रहा है, दो करंट है। तो ये हमारा ब्रश का जो पोलरिटी ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि हाउ टू यूज एंड हाउ टू वर्क कम्यूटेटर, ठीक। तो यहाँ जो हम लोग ब्रश का लगाए हैं तो सबसे पहले स्थिति में ये देखना आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो ब्रश है ना, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रश, ब्रश का जो सिस्टम है ये बी वन कनेक्टेड है सी वन से, एकदम यही देखना, बी वन सी वन से कनेक्टेड है, ये बी वन और सी वन, और यहाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। अच्छा करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में इनकमिंग है। तो ये किससे कनेक्टेड है, पी और क्यू से कनेक्टेड है और यहाँ करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, एकदम देखना गौर से। इस फंक्शन को हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझा रहे हैं और ये बहुत मज़ेदार फंक्शन है, ठीक है। तो इस समय जो है हम लोग का ये, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि बी टू जो है वो C2 से कनेक्ट है और B2 C2 से कनेक्ट है और C2 से करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन देखिएगा ऊपर की तरफ, और ये S एंड R से कनेक्टेड है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब जैसे मान लो सेम हम लोग का यही देखे थे P Q R S, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही रोटेशन होगा तो ये रोटेशन इस तरह से मान लो है, ये देखिए ये P और Q है ना, तो ये रोटेशन यदि हो रहा है तो पी क्यू क्या हो गया, सामने आ गया और आर एस पीछे चला गया। देखना यहाँ जैसे ये रोटेशन होगा, एक रोटेशन होगा एक एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए इस एक्सिस पे इसको रोटेट करा रहे हैं, ये क्या हो गया, अब देखो ये भाग सामने आ गया, ये साइड वाला भाग और ये भाग पीछे चला गया, और जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो ये जो देख रहे हो ग्रीन वाला भाग ऊपर आ गया है, फ्रंट में दिख रहा है। और ये तो कहने का मतलब है कि जैसे ही ये सर स्टार्ट लेगा रोटेट होना एट हाफ साइकिल, हाफ साइकिल ध्यान देना, जैसे ही ये रोटेट होगा तो Q और P उठ करके कहाँ चला जाएगा, मतलब रोटेट होकर के कहाँ चला जाएगा, S और R के पास, और S और ये कम्यूटेटर ये जो छल्ला जो लगा हुआ है C1 कहाँ चला जाएगा, C2 के पास, लेकिन B2 वहीं रहेगा, ब्रश वहीं रहेगा हमारा। तो ब्रश क्यों रहेगा, वहीं रहेगा, ब्रश फिक्स रहेगा। तो अब जैसे ही आफ्टर हाफ साइकिल हम लोग का देखिएगा C1 जो है वो B2 के पास पहुंच जाता है और B2 जो पॉजिटिव टर्मिनल ले रहा होता है यहाँ से, अच्छा ये हम लोग का करंट का डायरेक्शन ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ही लेगा, मतलब अब C1 जो है B2 के पास पहुंच गया और एट हाफ साइकिल आपका यहाँ C2 जो है वो B1 के पास पहुंच गया और इसका डायरेक्शन क्या, अच्छा इसका डायरेक्शन भी ऊपर ही रह गया। कहने का मतलब है कि कम्यूटेटर तो रोटेट कर गया लेकिन ब्रश जो है कलेक्टिंग जो करंट कर रहा था जो रिवर्स होकर के आ रहा था उसका डायरेक्शन सेम रह गया। तो एकदम ध्यान से कि सर ये जो तो कारनामा कौन किया, ब्रश और कम्यूटेटर मिलकर के, कम्यूटेटर कुछ नहीं, कम्यूटेटर एक रोटेटिंग पार्ट है जो कि, और दूसरा है शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे यदि इस वेव फॉर्म में यदि आउटपुट देखा जाए तो सर जब ये स्टार्ट ले रहा होता है तो स्टार्ट में जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो यही रहेगा और करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो इसको ये डेवलप कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। और ये क्या था, एसी सिग्नल था, कब हुआ ये यूजिंग कम्यूटेटर, लेकिन अभी भी हम लोग को प्योर डीसी नहीं मिला है। एकदम ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार है कि सर C1 छल्ला चेंज हो जाएगा, रिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है क्योंकि ब्रश का जो ब्रश जो फिक्स होता है और जो लेता है वो लेगा ही और जो देगा वो देगा ही, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं। तो बेसिक कॉन्फिगरेशन है, बेसिक बहुत एकदम ईजी टर्म में है, कोई टफ नहीं सोचना, ये नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं किताब में, कुछ से कुछ लिखा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, मेरा लैंग्वेज पे बिलीव करना है ना,
एकदम सर बहुत इजी कंसेप्ट है, एकदम ध्यान देना। मतलब अब हम लोग को क्या मिल गया, पल्सेटिंग डीसी मिल गया। अब जैसे यदि आपसे मैं ये मिटा रहा हूँ टर्म, अब यदि बोलेगा कि ठीक है पल्सेटिंग ही डीसी तो मिला है, हम लोग को डीसी मशीन यूज़ करना है, तो हम लोग को फिक्स डीसी कहाँ से मिलेगा? तो फिक्स डीसी की जब हम लोग बात करते हैं तो सर यहाँ लगा दीजिए, एक कैपेसिटर लगा दीजिए यहाँ, है ना। तो ये क्या करता है, हम लोग को डीसी देना सप्लाई कर देता है। देखिए कैसे, क्योंकि कैपेसिटर जो है ये चार्जिंग फॉर्म में आ जाएगा और ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण जैसे ये चार्ज होगा उसके बाद इसको कांस्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ये बेसिक में ये फंक्शन, और यहाँ भी ये ड्रॉप नहीं करता, ये आपको इस तरह का सिग्नल मिल जाता है। इसका इक्वेशन है, टोटल कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा टोटल वोल्टेज का 1 - e^(-t/tau, जो कि एक्सपोटेंशियल फॉर्म होता है, और ये एक्सपोटेंशियल ग्राफ ही होता है। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो उसके पास करंट, ये वोल्टेज कैसा हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा, और वो काम नहीं करता है उससे। मतलब वो वोल्टेज आपको कांस्टेंट दे देगा, क्यों? क्योंकि I = cdv/dt होता है। तो I = cdv/dt होता है, तो इसके कारण वहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं AC को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें भी कौन सा DC, तो प्योर DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। एकदम अच्छे से जानना है हम लोग को। तो ये हम लोग का कम्यूटेटर का ये था, हम आपको कंस्ट्रक्शन में बताएंगे कम्यूटेटर का फंक्शन। तो हम लोग के पास अभी जो है वो क्या मिला कि सर एकदम सबसे फर्स्ट फंक्शन देखना, कुछ नहीं, ये हम नॉर्मल व्यू में बता दिया आपको। कैपेसिटर का फंक्शन में पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि सर इन डीसी मशीन्स है ना, द एसी अल्टरनेटिंग करंट डेवलप इन आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर, बट यूजिंग कम्यूटेटर्स वी कन्वर्ट एसी टू पल्सेटिंग डीसी, सो इट्स कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर, है ना। तीसरा है सर, पल्सेटिंग डीसी को डीसी कन्वर्ट टू फिक्स डीसी यूजिंग कैपेसिटर, या हम लोग और भी बोल सकते हैं कि सर डायोड से भी तो कर सकते हैं, तो डायोड का ब्रिज भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का एक प्रिंसिपल ख़त्म हो गया, जो हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट में जो छूटा था वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में ये कर दिया। अब है कि दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव था कि फर्स्ट था हाउ टू इंड्यूस्ड वोल्टेज इन डीसी मशीन एंड हाउ टू डेवलप टॉर्क इन अ डीसी मशीन, ठीक है। तो हाउ टू इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हो चुका है, और अब है हम लोग की बारी हाउ टू डेवलप टॉर्क। टॉर्क जो जब डेवलप करते हैं हम लोग, तो मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, फिर से यही फिगर चलेगा और बहुत ही नॉर्मल व्यू में समझना इसको कि टॉर्क डेवलप होता कैसे है, मतलब मोटर जो है वो रन कैसे करता है। मैं थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन आपका कंसेप्ट यदि क्लियर हो गया बाबू तो आपका हो जाएगा। जल्द से जल्द जुड़िए, है ना, और फ्री, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है। मैं बस इसको बस गांव तक पहुंचाना चाह रहा हूँ इस टेक्निकल को। मैं दिल्ली में तो हूँ ही, मुझे यहाँ से जो भी है, लेकिन मैं बस केवल गांव लेवल पे इसको, जैसे डिप्लोमा लोग कर लेते हैं वो पैसा के कारण नहीं बाहर आ पाते, तो उन्हीं के लिए लेक्चर है। बाकी जो शहरों में रह रहे हैं उनको भी कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे बता सकते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा और यहाँ एंटर कर रहा होगा नॉर्थ से साउथ। अब देखो टॉर्क डेवलप करवाना है, क्योंकि जनरेटर में तो हम लोग प्राइम मूवर से हैंडल लगा करके देते ही हैं सप्लाई, मतलब जनरेटर में हम लोग मोटर से सप्लाई देते ही हैं। तो यहाँ टॉर्क क्या कर रहा है, तो यहाँ सर ये टॉर्क की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग मोटर की बात करते हैं,
यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ सर एक हम लोग सप्लाई जो देते हैं, जो सप्लाई ये, अच्छा यहाँ आप कम्यूटेटर लगा ही लीजिए। जब कम्यूटेटर की बात हो ही गई है, ये ब्रश, ठीक। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब वोल्टेज दिए और करंट दिए। अब देखो सीधी सी बात है कि मोटर में क्या देते हो, वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट जब हम लोग देना स्टार्ट किए सर, तो यहाँ से हम लोग को वोल्टेज मिल गया और यहाँ से हम लोग का करंट मिल गया, तो ये करंट जाना स्टार्ट हो गया। देखना इसका थ्योरी, इसका थ्योरी हम बेसिक में मैं पढ़ाता हूँ। ये करंट जाना स्टार्ट हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या था, ये करंट का डायरेक्शन ये है और यहाँ से करंट हम लोग को मिलना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है, और अकॉर्डिंग टू, सुनना यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, कोई बात नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, इनका कहना था कि सर जब मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब किसी भी कॉइल में करंट पास होगा, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था इनका कहना कि सर यहाँ जैसे ही यहाँ करंट बनाए, यहाँ ये क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही सर ये मैग्नेटिक फील्ड बना, आई के कारण क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ सर फ्लक्स डेवलप हो गया, क्योंकि चूंकि बी इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन ए, यहाँ फ्लक्स डेवलप हो गया। खैर अभी फ्लक्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। सर जैसे ही इस कॉर्नर पे मान लो कि फ्लक्स ये हम लोग का बनना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, तो सर ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हुआ है, नॉर्थ से साउथ, तो जैसे ही सर यहाँ बनना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे डेवलप कर देगा, चूंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो बी, बिकॉज क्योंकि हम लोग जानते हैं वी आई एल होता है साइन थीटा, साइन थीटा को अभी हटाइए डीसी में, तो हम लोग का वी आई एल, सर फोर्स बी पे भी डिपेंड किया और करंट पे, मतलब इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया इस कंडक्टर पे, मतलब जैसे ये मान लीजिए वो कंडक्टर है, ठीक। तो जैसे इसमें करंट पास कराए तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, फोर्स, फोर्स डेवलप हुआ, जैसे यहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, तो देखो यहाँ इनसाइड, तो अब देखो यहाँ देखना, यहाँ इनसाइड फोर्स लग रहा है, तो यहाँ किधर लग रहा है, आउटसाइड, यहाँ ऐसे निकल रहा है फोर्स, ये देख रहे हो फोर्स बाहर की तरफ, मतलब फोर्स बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ फोर्स लगने लगा है, एक फोर्स और दूसरा फोर्स बाहर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, क्योंकि हम लोग एक ही मैग्नेटिक फील्ड पे बना रहे हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या डेवलप हो गया, एफ इंटू आर, तो सर टोटल टॉर्क कितना हो गया, बी आई एल इंटू आर। अब देखिए तो सीधी सी बात है, फिर से एक कंसेप्ट यहाँ यही है कि टोटल टॉर्क इक्वल टू बी आई एल आर है, तो सर टॉर्क भी तो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ बना है, तो फिर से हम वही लेते हैं पी क्यू आर एस, सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना है, पी और क्यू में इन लाइन है और क्यू आर एस इन लाइन है, तो सर मैग्नेटिक फील्ड यहीं बना है, तो टॉर्क कहाँ बनेगा, यहीं पे, कितना, बी आई एल आर, और यहाँ टॉर्क क्या हो गया, आर और क्यू के बीच में जीरो, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है या इन प्लेन है, हम लोग चर्चा किए थे कि सर इन प्लेन है, मतलब यदि साइन थीटा का वैल्यू जीरो है तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी टॉर्क डेवलप हो जाएगा, कहाँ से, आर एस के बीच, कितना, बी आई एल आर, और यहाँ भी टॉर्क एस एंड पी के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ध्यान देना ये चीज़ कि मोटर चलता कैसे है, जैसे ही करंट हम लोग देते हैं यहाँ पर डेवलप कर देता है, मैं आगे भी इसका प्रिंसिपल बताऊँगा। तो अब जो है टॉर्क जो है, टोटल जो डेवलपमेंट टॉर्क की बात हम लोग जब कर रहे हैं, तो टोटल टॉर्क जो है सर, टॉर्क अक्रॉस पी एंड क्यू कितना हो गया, बी आई एल आर, इक्वेशन वन, टॉर्क आर एंड क्यू क्या हो गया, जीरो, टॉर्क आर एंड एस कितना हो गया, ये ऑल्सो बी आई एल आर, एंड टॉर्क एस एंड पी भी जीरो हो गया। तो टोटल नेट टॉर्क जो है वो कितना हो गया, बी आई एल आर प्लस जीरो प्लस बी आई एल आर प्लस जीरो, मतलब टू बी आई एल आर, ये हमारा नेट टॉर्क हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड टॉर्क या आर्मेचर टॉर्क, ए से डिनोट करते हैं। एकदम ध्यान से देखना कि सर ये टॉर्क बन गया, अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, टॉर्क आएगा तो सर स्पीड आ ही जाएगा, पावर डेवलप हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगा, ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया, रोटेट होना स्टार्ट हो गया, मतलब स्पीड आ गया, और कैसा स्पीड आया, एंगुलर आया, ये देखो चारों तरफ ओमेगा ए टू पाई। तो हम लोग के पास एक टॉर्क भी डेवलप हुआ है,
एकदम ध्यान से देखना। अच्छा ये टॉर्क है कैसा, तो ये टॉर्क दिखा रहा है हम लोग को कि सर हम इंड्यूस टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया, 2BILR। ये हमारा मान लीजिए कि पहला इक्वेशन आ गया, कितना आया 2BILR, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड का दोगुना होगा। फिर से ये दिखा रहा है कि एक कॉइल में, एक टर्न में, एक कॉइल में दो कंडक्टर होता है दोनों तरफ, जहाँ पे पोल होता है, एक पोल नॉर्थ साइड होता है एक साइड, एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल साउथ, तो एक कंडक्टर नॉर्थ के पास जाता है और एक पोल साउथ के पास। और ये जो पूरा है ये 180 डिग्री होता है। आगे मेरा थर्ड लेक्चर में आप देखो, जब हम वाइंडिंग की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं फुल पिच वाइंडिंग, जो कि 180 डिग्री तक होता है ना। तो इंड्यूस टॉर्क जब, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि एरिया पर पोल कितना है, फिर से वही फॉर्मूला। तो एरिया पर पोल है सर पाई आर एल, तो आर एल इक्वल टू क्या हो गया, एरिया पोल पर पोल बटे पाई। तो टॉर्क इंड्यूस्ड इक्वल टू हो गया 2 बाई पाई बी इंटू ए पर पोल आई। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये भी एक इक्वेशन है, न्यूमेरिकल बनता जाएगा। मतलब टॉर्क जो डिपेंड करता है, यहाँ टॉर्क जो डिपेंड करता है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, और टॉर्क जो डिपेंड करता है वो एरिया पर पोल पे भी डिपेंड करता है। मतलब जितना एरिया है पोल का, जितना आर्क है पोल का, उतना ये डिपेंड करता है नहीं। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क का भी रिलेशन देख लेंगे। उसके बाद अब है कि चूँकि फ्लक्स पर पोल इक्वल टू होता है गुरु बी इंटू ए पी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही यूनिवर्सल थ्योरी है। तो सर इसको जब हम लोग इसके जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, टॉर्क इक्वल टू 2 बाई पाई फ्लक्स पर पोल इंटू करेंट। ये देखना, ये बहुत मज़ेदार टर्म आ गया। ये अब ये मज़ेदार टर्म है या कौन सा है वो तो अब दिखाएगा हम लोग को समय। तो हम लोग के पास एक इंड्यूस टॉर्क जो है वो मान लीजिए के फाई पी आई है। फाई पी यहाँ जो है फ्लक्स पर पोल का हिसाब लगा रहा है, करंट है जो कि कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, ये करंट ठीक है। अब है कि सर ठीक है यहाँ तक तो आ गए हम लोग, तो अब टॉर्क करें, अब ये फिगर को मिटाते हैं सर, इसका अभी काम हो गया है। और आज का टॉपिक जो था आपका कि सर हाउ टू यूज कम्यूटेटर एंड दिस, तो सीधी सी बात है अब हम लोग यहाँ निकालेंगे कि सर टॉर्क इक्वल टू, चूँकि एकदम ध्यान देना, चूँकि टॉर्क इक्वल टू 2 बाई पाई फ्लक्स पर पोल एंड करेंट इक्वेशन वन। तो सर व्हेन करेंट आई कॉन्स्टेंट, तो इंड्यूस टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा फ्लक्स पोल पोल पर। कहने का मतलब है कि सर फ्लक्स पर पोल यदि बढ़ा तो इंड्यूस टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब टॉर्क बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर है कि सर सब कुछ होने वाला है, यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। इंड्यूस टॉर्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये आपको UPPCL SSCJE कोई भी JE हो, और एक और एग्ज़ाम है जो कि थोड़ा सा लेवल इसका चेंज है, ES तक काम देगा ये ठीक। तो ये हम लोग का फ्लक्स पर पोल है, टॉर्क इंड्यूस्ड है, फ्लक्स पर पोल है, टॉर्क इंड्यूस्ड है। ये बहुत ही मज़ेदार टर्म आ गया। अब देखो ये कहाँ तक ले जाएगा आपको, ये ले जाएगा आपको आगे है ना। तो इंड्यूस्ड टॉर्क हम लोग को, तो ये पहला कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन ये है गुरु व्हेन फ्लक्स कॉन्स्टेंट, फ्लक्स कॉन्स्टेंट। ये भी कहानी है कि सर टॉर्क इंड्यूस्ड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कहने का मतलब है फ्लक्स कांस्टेंट कहाँ होता है, आप देखोगे कि सर आप आगे पढ़ोगे संट जनरेटर में जो है, संट मोटर में जो है वो फ्लक्स कांस्टेंट रहता है हमारा एक टाइम के बाद ठीक है, जब सेचुरेट हो जाता है ये। तो जब करंट बढ़ाओगे तो हमारा टॉर्क क्या होगा, वो बढ़ेगा, और जब करंट घटाओगे तो हमारा टॉर्क क्या होगा, वो घट जाएगा। इस तरह से ये हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा। मतलब टॉर्क डिपेंड करता है फ्लक्स और फ्लक्स और करंट पे। तो अब है एकदम कि सर अब हम लोग के पास दूसरा पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट टर्म क्या क्या आ गया कि सर टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट किए हो
या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना है, के फाई ओमेगा, फ्लक्स पर पोल ओमेगा, एंड टॉर्क जो है इंड्यूस्ड टॉर्क, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर टॉर्क, क्या क्या है, के फाई आई। सर ये दो फॉर्मूला है, ये दोनों आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। तो ये अब जो है इस तरह से जो हम लोग कर रहे हैं, ये कंडीशनल, ये कंडीशन जो है इसको एकदम करना है ना। नेक्स्ट जो है हम आपके पास लेकर के आएंगे सर वाइंडिंग, सारा किस तरह से करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन एंड वाइंडिंग सब कुछ आएगा। तो अभी है ये ऑब्जेक्टिव जरूर करना कि फ्लक्स जब बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा। आज हमारा दूसरा लेक्चर भी है जो कि रेजिस्टेंस, हम लोग फर्स्ट लेक्चर दिए थे कि सर सीरीज और पैरेलल में कैसा होता है, तो लास्ट क्लास में पैरेलल का हो गया था, इस बार सीरीज का होगा। बहुत मज़ेदार है, बल्ब पे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सीरीज और रेजिस्टेंस पे, तो उसका भी आपको करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ये अभी मैं ये क्लास यहीं तक रख रहा हूँ आज के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है तीसरा जो लेक्चर आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक, तो उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ये कंटिन्यू क्लास चलेगी है ना। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बाद ये शेड्यूल है पूरा, वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग के बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। वाइंडिंग के बाद हम लोग जाएंगे इफेक्ट ऑफ डीसी मशीन, आर्मेचर रिएक्शन आएगा, LdIdt इफेक्ट आएगा, मतलब रिएक्टेंस वोल्टेज जो डेवलप हो जाता है वो कैसे होता है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज कैसे होता है। उसके बाद आएगा हमारा सर कि हम लोग इसको कैसे कम करेंगे शॉर्ट सर्किट को, और उसके बाद हम लोग आएंगे लेकर के डीसी जनरेटर। बहुत मज़ेदार है, आप इंटरेस्ट लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, तो इससे क्या हो फ़ायदा होगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा। जल्द ही मुझे आज थोड़ा एरर हो गया, नहीं तो मैं लाइव आता, लेकिन 4 बजे बोला था, मैं 4 बजे बनाया हूँ, जस्ट अभी अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू आज के